हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि ऑड इवन का प्रोग्राम हम सी लैंग्वेज में कैसे बना सकते हैं। ये प्रोग्राम तो कई बार बता चुका हूं मैं, लेकिन ये प्रोग्राम कोड ब्लॉक के ऊपर है। तो आइए सबसे पहले एम्प्टी फाइल चूज कर लेते हैं और यहां पे लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, देन लिखेंगे हैश इंक्लूड conio.h, नीचे यहां void main, फिर यहां पे नीचे कर्ली ब्रैकेट और फिर यहां पे इंट टाइप का डेटा टाइप और ए एक वेरिएबल हमने बना लिया। इसमें हम वैल्यू को स्टोर कराएंगे। यूजर क्या देखना चाहेगा स्क्रीन पे वो हम प्रिंटर के अंदर लिखेंगे, क्योंकि हम सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो यहां यूजर को दिखाई देगा एंटर नंबर, स्क्रीन पे यही दिखाई पड़ेगा यूजर को। तो यूजर कोई नंबर एंटर करेगा इसके बाद देखने के बाद, तो वो नंबर जो है यूजर एंटर करेगा, दैट्स व्हाई हम यहां स्कैनफ लगा रहे हैं। तो स्कैनफ लगा लिया, यहां आप लिखेंगे परसेंट डी इसलिए क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है ये इंटीजर का। अगर हम फ्लोट वैल्यू लेते, दशमलव वाली वैल्यू लेते तो वहां परसेंट एफ लिखते, ठीक है। अब यहां पे एड्रेस ऑफ हमने क्या लिया वेरिएबल ए, तो यहां पे ए कर दिया हमने। फिर नीचे आएंगे, अब यहां पे इसको डिफाइन करना है। तो यहां पे मैं लिखता हूं इफ ए, मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाएंगे हम यहां, ये परसेंट नहीं है ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ठीक है। मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम क्या होता है, रिमाइंडर बताना, जो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको बताना, ठीक है। तो ए मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू यानी 0, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो हम यहां प्रिंटफ में क्या देंगे, अगर डिवाइड हो जाता है वो तो इवन है, 2 से डिवाइड हो जाता है तो, अदरवाइज एल्स ऑड है। तो प्रिंट एफ लिखेंगे और उसमें हम लिख देंगे ऑड, ठीक है, ये लिख दिया हमने ऑड, ओके। अब यहां पे रिटर्न 0 करेंगे, क्योंकि हमने इंट मेन लिया है। यहां पे देखिए, यहां पे हम इंट मेन लेंगे, वाइड मेन हटा देता हूं मैं, वाइड भी एक कीवर्ड है, वाइड भी लिख सकते हैं लेकिन इंट मेन मैं लिखता हूं, ठीक है, क्योंकि हमको नीचे रिटर्न 0 दिखाना है, ठीक है, इस वजह से हम इंट मेन ले रहे हैं, ठीक है। तो रिटर्न 0, आपको रिटर्न 0 ही लिखना होगा, आप रिटर्न 1 नहीं लिख सकते, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको सेव करते हैं। इवन डॉट सी, डॉट सी लगाना जरूरी है, सी लैंग्वेज के फाइल की एक्सटेंशन है। यहां से बिल्ड पे गए, कंपाइल करवाया इसको, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। अब यहां बिल्ड पे जाएंगे और इसको रन करवाएंगे। तो यहां देखिए लिखा हुआ रहा है एंटर अ नंबर, तो यहां पे कोई नंबर एंटर करना है हमें, जैसे सपोज कीजिए हमने एंटर किया 4, ठीक है, तो 4 यहां पे लिख के आया इवन नंबर, ठीक है। अब फिर दोबारा इसको रन करवाता हूं मैं, रन करवाया हमने, अब इसके बाद 7 एंटर करता हूं, तो यहां पे देखिए यहां पे ऑड आ रहा है लिख करके। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही होगी। फिर एक बार रन करवाते हैं, फिर देखते हैं कि यहां पे क्या आता है, ठीक है। तो बिल्ड रन करवाया हमने, तो फिर एंटर अ नंबर, यहां पे 8 लिखा हमने, तो 8 इवन है तो इवन आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी कि ये प्रोग्राम हम कैसे रन करवा पा रहे हैं, और भी आगे के प्रोग्राम्स इसी पर बेस्ड हम देखते चलेंगे। आगे पाइथन की भी वीडियोस अपलोड करूंगा मैं, और सी लैंग्वेज की तो हो ही रही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।